हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो चलिए गाइस, आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं एक और नई ट्रिक्स। ओके फ्रेंड्स, तो प्लीज़ बने रहिएगा हमारे साथ, कहीं मत जाइएगा। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को पूरा देखिएगा, इसके बीच में मत कीजिएगा। तो गाइस, मैंने ये इयररिंग्स डाले हैं, तो आप मुझे बताना ज़रूर कि मेरे इयररिंग्स कैसे लग रहे हैं आपको। तो मैंने सूट के मैचिंग के ही डाले हैं, तो प्लीज़ गाइस मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना कि मेरे इयररिंग्स कैसे लग रहे हैं और मेरे फेस पे अच्छे लग रहे हैं या नहीं। मैं गोल इयररिंग्स कभी नहीं डालती, मैंने आज पहली बार ही इनको डाला है, आज फर्स्ट टाइम मैंने डाला है। ऐसे इयररिंग्स को मैं कभी नहीं डालती ऐसे इयररिंग्स। तो आप बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में कि आपको मेरे इयररिंग्स कैसे लग रहे हैं। तो आप फ्रेंड्स देखिए कैसे लग रहे हैं। तो चलिए ज़्यादा समय वेस्ट ना वे करते हैं वीडियो स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपने टाइटल में पढ़ ही लिया होगा कि अगर सर्दियों में हम अपनी स्किन को कैसे मॉइस्चराइजर करें। ओके फ्रेंड्स, तो यही आज हम बताएंगे। तो फ्रेंड्स, ये पोंड्स का मॉइस्चराइजर है, ये बहुत ही अच्छा है। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है और बहुत जल्दी जल्दी फटती है, तो आप इस मॉइस्चराइजर को लीजिएगा गाइस। देखिए, बहुत ही अच्छा है और बहुत ही ज़्यादा कम प्राइस में आपको मिल जाएगा। तो हम ऐसे थोड़ा सा ही लेंगे, ज़्यादा नहीं लेंगे। अगर आपको अपनी स्किन पे मॉइस्चराइजर को अच्छी नमी देनी है अपने फेस को, तो हम अपने फेस पे ऐसे लगा लेंगे और अपने फेस को अच्छे से मसाज करेंगे गाइस, जब तक कि 4-5 मिनट अच्छे से हमारी स्क्रीन में ये क्रीम एब्जॉर्ब ना हो जाए, तब तक हम अच्छे से मसाज करते रहेंगे अपने फेस पे गाइस। और ये बहुत ही अच्छा है और मार्केट में आसानी से आपको मिल जाएगा, कम प्राइस में मिल जाएगा फ्रेंड्स, इतना हाई प्राइस नहीं है इसका। ओके, तो मैं आपको इसका प्राइस भी बता दूँ कितना है गाइस, आप इसे आसानी से परचेस कर सकते हो गाइस, इतना ज़्यादा नहीं है इसका प्राइस। तो 89, तो इसका प्राइस देखे कितना है, 100 से भी कम ही आपको पड़ जाएगा, 89 है इसका प्राइस। ओके, तो गाइस अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा फटती है या बहुत ज़्यादा स्किन ड्राई है, तो आप इस पोंड्स की मॉइस्चराइजर को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत ही अच्छा है गाइस। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्दी है, तो आप बताना गाइस कि आपके वहाँ पे भी ठंड है क्या? यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है, अभी मुझे बहुत ज़्यादा ठंड भी लग रही है, क्या करूँ। आप लोगों के लिए वीडियो तो शूट करना ही पड़ता है ना, बस यही है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो हमें अपनी स्किन में अच्छे से मॉइस्चराइजर को एब्जॉर्ब कर लिया है फ्रेंड्स। और हल्की सी आप अपने फेस को रिलैक्सिंग ज़रूर दिया करो, एकदम से तुरंत मत छोड़ा करो गाइस। ओके, बस आपको ऐसे करना है। अगर आप चाहते हो फेस पे ऐसे ही छोड़ना, तो आप ऐसे भी छोड़ सकते हो। अगर चाहते हो क्लीन करना, तो आप क्लीन भी कर सकते हो, क्योंकि हमने जो मसाज करनी थी वो कर ली, बाकी तो हमारे फेस पे भारी लगा रहेगा। ओके फ्रेंड्स, अगर आप अभी तक हमारे चैनल पे नए हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन का बटन प्रेस कर देना, और लाइक करना मत भूलिएगा गाइस। प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा गाइस, क्योंकि हम लोग आप लोगों के लिए इतनी मेहनत से वीडियो बनाते हैं, प्रोडक्ट इतने सारे प्रोडक्ट वेस्ट करते हैं, तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता ही है ना गाइस, आप लोग एक लाइक ज़रूर कर दिया कीजिएगा फ्रेंड्स। और कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताना कि आपको मेरे इयररिंग्स कैसे लगे। ओके फ्रेंड्स, तो मैं आपको बता दूँ, मेरी जो अगली वीडियो आने वाली है वो है गिव अवे के लिए। ओके फ्रेंड्स, तो अगली वीडियो देखना मत भूलिएगा गाइस, जो कल आपको वीडियो मिलेगी वो मिलेगी आपको गिव अवे पे। तो फ्रेंड्स, मैं यही चाहती हूँ कि जो मेरे सब्सक्राइबर हैं उनका भी कुछ फ़ायदा हो जाए, क्योंकि मेरे 1K पूरे हो चुके हैं फ्रेंड्स, क्योंकि मुझे आप लोगों का बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला है, इसीलिए मेरे 1K पूरे हुए हैं। तो गाइस प्लीज़ मेरे साथ ऐसे जुड़े रहिएगा और मुझे ऐसे सपोर्ट करते रहिएगा फ्रेंड्स। और बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि मेरे 1K आप लोगों की वजह से कम्प्लीट हुए फ्रेंड्स। तो गाइस कहीं मत जाइएगा, ऐसे जुड़े रहिएगा हमारे साथ, और हम आप लोगों के लिए नई नई ट्रिक्स लेके आएंगे। तो प्लीज़ गाइस, तो गाइस यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, बार बार डिस्टर्ब होते रहते हैं, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है यहाँ पे, आपको शोर भी
काफ़ी ज़्यादा आता होगा। तो प्लीज़ मेरी नेक्स्ट वीडियो देखना मत भूलिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि हम आप लोगों के लिए लेके आ रहे हैं गिव अवे, ताकि मैं अपने सब्सक्राइबरों को कुछ दे सकूं, इसीलिए मैंने ये गिव अवे रखा है। ओके फ्रेंड्स, ये मुझे किसी कंपनी की तरफ से नहीं मिल रहा है, तो मैं ये अपनी ही तरफ से आपको ये गिव अवे कर रही हूँ। तो आप जैसे कि देख सकते हैं मेरे पीछे काफ़ी भरपूर वैरायटी है कॉस्मेटिक की, तो मैं चाहती हूँ क्यों ना मैं अपने सब्सक्राइबरों को भी कुछ प्रोडक्ट्स भेजूँ। ओके फ्रेंड्स, तो मैं बताऊँगी अपनी अगली वीडियो में कि मेरे सब्सक्राइबरों ने क्या करना है और किसके लिए गिव अवे रखा है। ओके गाइस, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आप, मैं आपको बता दूँ, अगर आप क्लीन करना चाहते हैं फेस को, तो आप टिश्यू पेपर लीजिए और अपने फेस को अच्छे से क्लीन कर लीजिएगा। ओके, अगर आप वाटर से करना चाहते हैं, फेस वॉश करना चाहते हैं, तो आप फेस वॉश नहीं कर सकते मॉइस्चराइज़र करने के बाद गाइस, क्योंकि जो हमारे फेस की नमी है वो निकल जाएगी। अगर आप एक्स्ट्रा टनक चाहते हैं, तो आप सिर्फ और सिर्फ कॉटन का या फिर टिश्यू पेपर का ही इस्तेमाल करिएगा, और किसी कपड़े से भी साफ मत कीजिएगा। आप चाहते हो कि हमारा कपड़ा तो बिल्कुल क्लीन है, तो हम अपने कपड़े का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो गाइस ऐसा बिल्कुल भी मत करिएगा। आप अच्छे से बस कॉटन से या टिश्यू पेपर से ही कर सकते हैं। इतना महंगा टिश्यू पेपर नहीं आता, क्योंकि आपकी फेस की जो स्किन होती है बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है और बहुत ज़्यादा कोमल और सॉफ्ट होती है, तो इसलिए इसे बहुत जल्दी हार्म पहुँचता है। तो प्लीज़ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।